राम राम, जय जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम सभी भाइयों को। और हम आए जो ये माट तहसील में पड़ता है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में तहसील और विधानसभा में, ये जो प्रचार के लिए आए हैं, इनसे जानकारी करते हैं किसके प्रचार में और कैसे किन का रुख है अब के, और माट विधानसभा की सीट किसके मुकद्दर में लिखी जाएगी, जो कि 40 साल से पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। एक बार जयंत चौधरी जी ने हराए थे, फिर यहाँ पे हमारे रालोद और सपा ने जो गठबंधन किया है उसको देखते हुए क्या रुख रहेगा यहाँ की सीट का। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपका शुभ नाम? चतुर्भुज निषाद। कहाँ के रहने वाले हो? माठ। किसके पक्ष में आए यहाँ पर? जो स्थिति है माठ विधानसभा की, करीब एक व्यक्ति को 40 साल हो गए जी। और 40 साल से इस विधानसभा पर राज कर रहा है, लेकिन इस विधानसभा की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दयनीय है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति वाली तहसील मानी जाती है माठ तहसील। उस व्यक्ति ने इस विधानसभा का विकास कम विनाश ज़्यादा किया है। पहली बार हमें ऐसा मौका मिल रहा है, इससे पहले 10 साल पहले एक मौका मिला था, आदरणीय जयंत चौधरी जी यहाँ चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम पर पूरी यहाँ की सरदारी माठ विधानसभा की राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में थी, और उस टाइम पे उन्हें करीब 19,000 वोटों से जिताया था। इस बार स्थिति कुछ और है जी। जी जी, इस बार स्थिति ये है कि हम 2012 में उपचुनाव हुआ दोबारा जैन जी के बाद में, तो वहाँ पे दोनों प्रत्याशी लड़े थे, यानी समाजवादी अलग थी और लोकदल अलग था, तो उस टाइम करीब 64,000 वोट राष्ट्रीय लोकदल के थे और 52,000 वोट थे समाजवादी पार्टी के। आज अगर वही स्थिति देखी जाए, क्योंकि लमसम मेरे हिसाब से 15-20% वोट बढ़ा है, तो आज की स्थिति में हम गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजय लाठर जी, तो आज की स्थिति में दोनों पार्टियों को अगर वोट बैंक मिलाया जाए तो कम से कम 1,40,000 वोट बैठेगा जी। तो जो गठबंधन है, तो आप लोगों में गठबंधन के हैं या सपा सपा के हैं? रालो नहीं, दोनों गठबंधन के लोग हैं, ये दोनों लोग गठबंधन के हैं, और गठबंधन मिलके पूरे तन मन से एक साथ मिलके काम कर रहा है उनके लिए, और बहुत अच्छी लहर है, बहुत अच्छी जीत है, बहुत सारी एक तरफा इस बार चुनाव में वोट करेंगी, ये स्थिति देखने को हमें मिल रही है पहली बार। चलो, कंधा से कंधा मिलाकर और माठ विधानसभा की सीट को जीत के ले जाएंगे। बिल्कुल, 100% जीतेंगे इस बार में। तो जो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केदार सिंह है। गाँव? गाँव पालखेड़ा है जी। किसके समर्थन में हो? देखो, इस समय जो हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि मैन दौड़ सब एक है रहे हैं, तो यह समय मैन दौड़ सब एक है। ज़्यादातर हर गांव का रुझान यही देखने को मिल रहा है, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजय लाठर जी, उनकी तरफ किसी किसी गांव में तो 90-95% वोट पड़ेगा। मतलब कोई गांव ऐसा नहीं नज़र पड़ रहा है जिसमें संजय लाठर न जीत रहे हों। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के बदलाव निश्चित होगा और माठ विधानसभा में इतिहास रचेगा संजय लाठर गठबंधन के प्रत्याशी। बहुत लंबे अंतर से जीतेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि एक संजय लाठर तो विधायक बनेंगे, साथ में एक फ्री और, जो कल अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया था कि संजय लाठर जी को जिताओ और दो विधायक पाओ, उन्होंने ये बयान दिया था कल के माठ विधानसभा को, एक के साथ में एक फ्री मिलेगा। जो कि आप बाजार में जाते हो तो सामान एक के साथ एक फ्री मिलता है, तो यहाँ पे विधायक एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो वो फ्री के बारे में जो हमारे बड़े भाई योगेश नौबाट जी हैं, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 432 मतों से पराजित हुए थे, उनके बारे में कहा है उनको MLC बनाया जाएगा, तो इसलिए वो बात कही है कि एक के साथ एक फ्री, यानी माठ को अब की बार दो विधायक मिलेंगे। मतलब माठ में पहले जो रुख था, जयंत चौधरी जी आए थे तो एक तरफा वोट पड़ी थी, अब गठबंधन है तो एक तरफा पड़ेगी मिलकर। जयंत चौधरी को 2012 के चुनाव में विधानसभा के में 87,000 मत मिले थे जी। मुझे विश्वास है कि 87,000 से ज़्यादा मत मिलेंगे, 90-95,000 वोट संजय लाठर जी के पक्ष में पड़ेंगे, ये फाइनल है। तो मतलब किसान के रुख में आए हो? हाँ, हम भी किसान हैं जी। जी हाँ, आप तो किसान हो, लेकिन हाँ, किसान के रुख में आए। हाँ, तो जो BJP है, इससे क्या लगता है आपको, किसान को नुकसान है फायदा? हाँ, किसान को नुकसान है। देखो, तुम देख रहे होंगे, यहीं भी देखो, यहाँ करीब 50 के पेटे में गाय और बिजार हैं,
जो सड़कों पर रात्रि में बैठते हैं, जाने आने वाले वाहन वालों को भी परेशानियां होती है, किसान पूरी रात जगता है, फिर भी किसानों के खेतों में ये नुकसान करते हैं, क्योंकि इन्हें तो खाना, आज मेरे खेत में खाएंगे, कल मेरे पड़ोसी के में खाएंगे, तो इनको तो कहीं ना कहीं खाना है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले हमारे गेहूँ की फसल